मेरे को लगता नहीं कि देश का जब आवाम जागता है तो फिर पुलिस कुछ कर पाती है। और ये जो है हमारे रोजगार का सवाल है, उस रोजगार बचाने के लिए हमें इनके लठ भी खाने पड़े, गोलियां भी खानी पड़े, जेड़े काटनी पड़े, तो हम काटेंगे, हम जाएंगे। और आज आप किसानों का उत्साह देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी फोर्स यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन सबके बावजूद जो है किसान यहाँ पे इनके सारे बैरिकेड्स तोड़ के और दाएं बाएं से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जबकि हमारे बहुत से जो हमारे अगुआ हैं उनको कल गिरफ्तार कर लिया, कुछ परसों गिरफ्तार कर लिया है, तो इस सब के बावजूद जो किसानों का उत्साह है वो बढ़ रहा है। और जब किसानों का उत्साह बढ़ रहा होता है तब जो है वो आंदोलन कभी पीछे नहीं हटता। गुरनाम जी, शंभू बॉर्डर पर भी जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, आमजन अभी चल रहा है, लेकिन कहा है किसानों को नहीं आने दिया जाएगा पंजाब के किसानों को। देखिए, मेरे ख्याल से यह है कि पंजाब के किसान आना चाह नहीं रहे हैं, उन्होंने वहीं बैठने का फैसला कर लिया है। लेकिन अगर वो आना चाहें तो उनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा होगी, अगर वो आना चाहें तो फिर नहीं रुक पाएंगे। तो मैं तो बल्कि पंजाब के किसानों से भी ये बेनती करूंगा कि बैरिकेड तोड़ के आएँ, चाहे सरकार लाठी मारे, गोली मारे, क्या कर सकती है हरियाणा सरकार का, हम क्या इतनी जेल उनके पास है। पंजाब के किसानों को बैरिकेड तोड़ के आना चाहिए। दिल्ली कुछ नहीं करने दिया जाए तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, कुछ भी होगा, अभी तो हमारी पंचायत शुरू हुई है, लोग इकट्ठे होने शुरू हुए हैं, अभी इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपस में राय करते हैं। आपके जो नेता है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके लेकर की बातचीत हुई है प्रशासन से आपकी? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। और जो है एक अच्छा आंदोलन जो है एक शुरुआत हो चुकी है, गिरफ्तार करते हैं कोई बात नहीं है और आंदोलन चलेगा। दिल्ली जाकर कहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली हमने रामलीला ग्राउंड का जगह मांगी थी, वो उन्होंने दी नहीं है। अब वो रामलीला, हो सकता है रामलीला ग्राउंड में फोर्स लगा दें, अगर रामलीला ग्राउंड में फोर्स लगाई तो जंतर मंतर में बैठेंगे, दिल्ली के अंदर घुसेंगे फिर तो दिल्ली वाला खुद बिठाएंगे। अगर दिल्ली एंट्री नहीं की गई तो बॉर्डर पर क्या नहीं है भाई? लठ मारेंगे, गोली मारेंगे, जो वो करेंगे कर ले, तो उनका काम है। गुरनाम सिंह साहब भी यहाँ पर हैं।